नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे राजधानी पटना में सीएनजी गैस को लेकर। बिहार की राजधानी पटना में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को अब सीएनजी में बदलने को लेकर कहा गया है। आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को सीएनजी में बदलने के लिए अब मात्र 2 महीने ही बचा है। आपको बता दें कि साल 2019 में सरकार की ओर से किए गए निर्णय के अनुसार 31 जनवरी 2021 तक पटना शहर और 31 मार्च 2021 तक पूरे पटना जिले में डीजल चलित ऑटो को बाहर कर दिया जाना था। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक कार्य नहीं होता देख परिवहन विभाग ने समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन अब जब समय सीमा को समाप्त होने से लगभग 2 महीने ही बचे हैं, ऐसे में एक भी डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में 8 सीएनजी स्टेशन ही काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पटना जिले में 3 और सीएनजी स्टेशन खुलने वाले हैं। सरकार भले ही डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को कन्वर्ट करने की बात कह रही हो, लेकिन राजधानी पटना में सीएनजी ऑटो की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राजधानी पटना में जितने भी सीएनजी स्टेशन हैं वहां पर समय पर ऑटो में सीएनजी नहीं डाला जा रहा है। सीएनजी ऑटो के ड्राइवर ने कहा कि हमें सीएनजी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगना पड़ता है, तब जाकर हम सीएनजी को ले पाते हैं, यानी कि अपने ऑटो में सीएनजी डलवा पाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम लंबी लंबी लाइनों में ही लगे रहेंगे तो हम पैसा कब कमाएंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी गाड़ियों को तो सीएनजी मिल जाता है, लेकिन ऑटो को सीएनजी मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि सीएनजी स्टेशनों की संख्या में वृद्धि हो। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएनजी ऑटो के ड्राइवर। मैं पटना सिटी चेक पोस्ट दीदारगंज के एरिया में कुमार पंप बोलता है। वहाँ टोल टैक्स के पास, 0 माइल के पास, कुमरार के पास, राजेंद्र नगर में जो भी सीएनजी मतलब पटना में है, राजा बाजार के पास जो भी सीएनजी टंकी है, सब पर मतलब इतना भीड़ रहता है कि टेम्पू वालों लोग को गैस नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि बस और ट्रक और फोर व्हीलर जो भी गैस वाला निकला है वो सब लोग को गैस मिल जाता है, ऑटो वाले लोग को गैस नहीं मिल पाता है। दिन दिन भर नंबर में लगे हुए रहते हैं, ये ऑटो वालों को गैस नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि गैस का संख्या बढ़ाए और हर जगह टंकी खोले, क्योंकि ऑटो वाले लोग कमा नहीं पाते हैं तो किस्ती कहाँ से भरेंगे, क्या करेंगे, ऑटो कैसे चलाएंगे, कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसके समाधान निकाले। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।